है राजपूत वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? भला अभी ये तो मुझे नहीं पता है। घूम रहा है। ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है युवास शालीम और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों की वजह से आज मैंने 300 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि काफ़ी थोड़े वक्त में मैंने एक महीना या डेढ़ महीने में एक 200 सब्सक्राइबर्स जो थे उसका मार्का मार लिया है। और मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने पूरा अपना सपोर्ट प्यार दिखाया मुझे और काफ़ी मोटिवेशनल रहा ये मेरे लिए, और इसका जो क्रेडिट है वो सारा आप लोगों को जाता है जो आप लोग प्यार बता देते हैं और दिखाते हैं। और सो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी सडनली बना, काफ़ी अचानक प्लान बन गया। मुझे मैसेज आया कि आर ए बाज़ार आई थिंक ये आर्य बाज़ार हम इसको कहते हैं, पेशावर में है। वहाँ पे सुना कि कोई खुली कचहरी, ओपन कोर्ट्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो लग रही है। और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया ओपन कोर्ट्स, और वो भी अकलियती बरादरियों के लिए था। ज़िला इंतज़ामिया जो थी इन्होंने ये कंडक्ट करवाया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तमाम जितने भी अकलियती लोग हैं, अकलियती बरादरी हैं, वो आएँ वहाँ पर और अपने मसले मसाइल बताएं। डीसी डिप्टी कमिश्नर पेशावर के अंडर सुपरविज़न होनी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके, तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर को जो था उनको भेज दिया था। सो बेसिकली ओपन कोर्ट्स होती क्या है? ओपन कोर्ट्स जो होती हैं एक ऐसी ओपन ट्रायल या जिसको हम कहते हैं खुली कचहरी, ऐसा होता है कि कोई भी ज़िला इंतज़ामिया के जो सरबराह होते हैं, जैसे कि कोई भी ज़िला हो सकता है वो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो कराची हो, कहीं के भी पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में कोई भी उनकी इंतज़ामिया होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या इंतज़ामिया, ये इनके सरबराहान जिनमें इंक्लूड किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, ये अथॉरिटीज़ मिली होती हैं कि वो जो है उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मैरिज इश्यूज आते हैं, तालीम के इशू आते हैं या सेहत के इशू आते हैं। या तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को अवेल किया जाए और जाकर ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया जाए, और मैं आपको भी एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ जिनको अगर ओपन कोर्ट्स का ख़ास इलम नहीं है। तो चलते हैं, मज़ीद क्या इंतज़ार करना, लेट्स गो। हेलो शमी राजा बार, ओके ओके और मैं राजपूत वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? भला अभी ये तो मुझे नहीं पता है। घूम रहा है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं राजपूत वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पे जो है आज खुली कचहरी हो रही है, जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, डिप्टी कमिश्नर पेशावर जो हैं, वो इसको कंडक्ट करेंगे खुली कचहरी को। और हमारे साथ अभी ज्वाइन किया, अभी इसको हमें बुलाया ही है और ये आ गए। कशान कैसे हो यार? आपने बड़ी प्यारी एंट्री दी है। और कैसे हो? ठीक ठाक हो यार? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? खुली कचहरी हो रही है आज। डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, यही मैं भी इनको बता रहा हूँ कि आज डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, खुली कचहरी लग रही है और पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखी खुली कचहरी, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों को इसका नहीं पता, जैसे कि ये हैं, तो ये इसलिए इंफॉर्मेटिव के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखेंगे, अभी उनका वेट करें, अभी तक नहीं आए डिप्टी कमिश्नर साहब, होपफुली आ जाएंगे जल्दी। स्कूल के बाद से कैसा मिल रहा है, लग रहा है कैसा लग रहा है मिलकर? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। सबको ही अच्छा लग रहे हैं। और मैं कब से मिल रहा हूँ?
मैं तो तुम लोगों से मिलता रहता हूँ, बस आज तुम्हें मिला लिया मैंने, यही मेरे लिए बड़ी बात है। सबने टाइम निकाला। गजाली चीज़ थी जी, आपके जो बिरादरी रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन मैंने कहा जेंडर इश्यूज भी जो है। मैं तकरीबन मेरा एज है 152 स्क्वायर फुट जगह है टोटल, और मेरी जवान बच्ची भी है, वो घर टूटा है, अब तक नहीं बना सकते, 5 साल हो गए हैं मैं चक्कर लगा रहा हूँ कैंटोनमेंट में, कोई बोलता 20,000 दे दो, कोई बोलता 30,000 दे दो, हम आपको इजाज़त देंगे। इसी तरीके से मुझसे पैसे भी काफ़ी लोगों ने खा लिए वहाँ पर, उन्होंने हमारे इलाके का मुआयना किया था, तो उन्होंने मेरे को देखा तो उसने कहा कि यार आपका घर तो बहुत छोटा है, ये एनक्रोचमेंट में आप कमरा डाल लें, तो अब एनक्रोचमेंट के लिए भी मैंने अपना वो दाखिल किए हैं कागजात, मगर अभी तक मुझे 2 साल हो गए कोई उसका वो नहीं मिला। अब जाके एक लेटर मेरे पास आया, उन्होंने भेजा है, तो ये लेटर उन्होंने भेजा है, तो बहुत मुश्किल आपका सामने टीम की छते हैं और पानी सारा आ जाता है बारिशों के दौरान, हम रात पूरी ऐसे गुजारते हैं। ये आपने कल लिया, इन्होंने जो कहा है कि ये कल मिला जी लेटर मुझे, कल मिला। ये कल मिला, इसको देखकर लगता है कि शायद आपका केस कंसिडर कर रहे हैं, जो मुझे पढ़ के ये समझ आ रही है। इन्होंने कहा है कि आप अपना प्लान जो है बिल्डिंग प्लान, कि आप उस जगह पे क्या बनाना चाह रहे हैं, कमरा है, एक मंजिल है, दो मंजिल है, वो एक आप जो एक मेरे ख्याल में ट्रेसिंग क्लॉथ कोई चीज़ होती है उस पर और कागज़ पर इनको सबमिट करें, तो शायद ये इसको फॉलो अप भी कर लेंगे। मैं मैडम तो अभी ओपन कोर्ट से मैं बाहर आया हूँ और सारे मसले आपको मैंने दिखा दिए और आपने सुन भी लिए हैं। ओपन कोर्ट्स जो है एक बेसिकली ऐसे है कि हमारे उन कम्युनिटीज़ के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे, जो कि अदलिया या अदालत के चक्कर लगा लगा कर या उसके अफोर्ड नहीं कर सकते उसके खर्चे अखराजात, तो वो ये जो ज़िला इंतज़ामिया होती है वो इस तरह के जो होते प्लेटफॉर्म्स देती है कि जिसपे वो माइनॉरिटीज़, वो लोग जिनके मसले मसाइल उसमें सेहत है, तालीम है और जो रिलीजियस उनके अपनी जगहें हैं, उनके जो इनरोचमेंट्स होती हैं उनके लिए ये जो हैं यहाँ पे आते हैं और उनकी मसले सुनते हैं और वो अपने जो इख्तियारात हैं उसके मुताबिक जो हैं वो ये करते हैं काम इस पर। तो अभी आपको सारा दिखा दिया है, अभी हम जाएंगे एक जगह और वहाँ पे हमारा एक बंदा वेट कर रहा है, वो बंदा बड़ा ख़ास है, चलते हैं। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ज़ूम ज़ूम होता ही नहीं है यार, ये कौन है, ये 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 कौन है, ये कौन है यार, हमें तो नहीं पता, अभी भी ढूंढ ले। ओ ये तो 5,500 सब्सक्राइबर, नहीं 5,000 कितने सब्सक्राइबर हैं, 5,000 ही कुछ है, 5,000 देखो, 5,000 की कदर ही नहीं है बंदे को, फिर भी खफे खफे, इधर तेरे होते तो क्या होता, अगर ये मेरे होते हाँ तो मैं देख तो बात सुनो, आज आपको पता है हम ओपन कोर्ट्स देखने गए थे, पता है आपको, हाँ तुम्हारी स्टोरी देखी होगी, पता है ओपन कोर्ट्स का, हाँ ना खुली कचहरी, इसको तो नहीं पकड़ लिया फैसलों के नहीं, ये तो खान साहब बाहर गए हुए थे अपना काम करने, जो गए हैं जो इसका काम है वो तो होती खुली है तो अंदर कैसे जाना होता तुझे खुली कचहरी में भी ना छोड़े तो तुझे घर में कैसे छोड़ेंगे बंद जगह पर कैसे छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं बस, चला जाता हूँ तो इधर क्यों नहीं छोड़ा, खुली चला गया था मैं लेकिन फिर मैं उठ के बैठ तो वो वहाँ होता होगा ना कोई, तू फैसले सुना रहा था खड़ा हो गया होगा मेरी तरफ से, दोनों मुद्दे मैं पकड़ लूँ, के बारे में बात नहीं की, झूठ बोल रहा ऐसी था ही नहीं उस समय, बाहर गया था हर्फ और मानी के रिश्ता आया से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते, रंग कहीं से डरते, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते,